हेलो गाइस, माय नेम इज अमन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल फेलो क्लासेस। गाइस, आज हम 8th क्लास की जो इंग्लिश ग्रामर की बुक है प्राची पब्लिकेशंस की, उसका जो चैप्टर नंबर 3 है द फ्रेज एंड द क्लोज, उसी का लास्ट पार्ट आज हम करने जा रहे हैं। इसमें एक्सरसाइज नंबर 14, 15, 16 एंड 17 करेंगे। वैसे तो इस चैप्टर की मैंने 5-6 वीडियोस पहले भी डाली हैं और जिसने वो अच्छे से करी हैं वो इन वाली एक्सरसाइजेस को खुद ही कर सकता है, लेकिन मैं फिर भी आपको करा देता हूँ, आप उससे अपना क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से इसको स्टार्ट करते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। अंडरलाइन द क्लोज एंड आइडेंटिफाई इट्स काइंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज। ये जो सेंटेंसेज यहाँ पर गिवन है, इनमें जो क्लोजेज जो दी गई हैं उनको आइडेंटिफाई करके अंडरलाइन करना है और बताना है कि वो किस टाइप की है, कौन सी वो क्लोज है। तो चलिए फर्स्ट देखते हैं। इट स्टार्टेड एज सून एज द मैच स्टार्टेड, इट मतलब बारिश होनी शुरू हो गई जैसे ही मैच शुरू हुआ, तो एज सून एज द मैच स्टार्टेड। और जिसने अच्छे से चैप्टर किया है पहले वाला, उसको पता है कि ये क्या है, ये है एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम। सेकंड है आई हर्ड डेट द प्रेसिडेंट इज गोइंग अब्रोड, तो डेट द प्रेसिडेंट इज गोइंग अब्रोड ये हो जाएगी नाउन क्लोज। क्या हो जाएगी? नाउन क्लोज। अभी मैं यहां पर आपको एक एक डिटेल में नहीं बता सकता कि नाउन क्लोज क्या होती है, एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम क्या होती है, इसके लिए आपको जो पहले वाली वीडियोज हैं वो देखनी पड़ेंगी। तो जिसने नहीं देखी है मेक श्योर कि आप वो वीडियोज देख लें। थर्ड है शी डज नॉट नो वेयर हर हस्बैंड हैज गोन, तो इसमें हो जाएगा शी डज नॉट नो वेयर हर हस्बैंड हैज गोन, और ये हो जाएगी फिर से एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसके बाद नंबर फोर्थ है द यंग मैन हु वोन द प्राइज इज माई फ्रेंड, ये क्या है हु वोन द प्राइज, और ये क्या है यंग मैन के बारे में कुछ बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगी एडजेक्टिव क्लोज। एडजेक्टिव क्लोज। फिफ्थ नंबर पे है द पर्सन यू मेट एट द लेक इज आवर नेबर, वो पर्सन जिससे तुम लेक पे मिले थे वो क्या है हमारा नेबर है, तो इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा इज आवर नेबर, वो पर्सन जिससे तुम लेक पे मिले थे वो कौन है हमारा नेबर है, और ये भी पर्सन के बारे में बता रही है तो ये भी क्या हो जाएगी एडजेक्टिव क्लोज। नेक्स्ट है प्लीज लेट मी नो व्हाट योर प्लान्स आर, देखते ही पता चलता है कि इंट्रोड्यूसिंग वर्ड क्या है व्हाट, और ये कौन सी क्लोज है नाउन क्लोज। जिसको समझने में दिक्कत हो रही है कि ये नाउन क्लोज क्यों है या ये एडजेक्टिव क्लोज क्यों है या एडजेक्टिव क्लोज होती क्या है या नाउन क्लोज क्या होती है, उसके लिए जो इस चैप्टर के पहले वाले वीडियोज हैं आप उनको ध्यान से देखिए। सेवन्थ है द चिल्ड्रन हैड रन अवे बिफोर द टीचर केम, देखते ही पता चलता है कि क्या है बिफोर द टीचर केम, ये जो इंट्रोड्यूसिंग वर्ड है बिफोर, ये क्या है एडवर्ब ऑफ टाइम, या आप यू कह लीजिए कि एडवर्ब क्लोज की मैं शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ सीएल ऑफ टाइम, क्योंकि यहाँ पे स्पेस की कमी है। एट्थ बोलता है यू शुड वेट टिल दैट, ये देखते ही पता चलता है टिल द ट्रेन रीचेज द स्टेशन, टिल से जो स्टार्ट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सेम जो ऊपर वाली थी एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम। इसके बाद नेक्स्ट है नाइन्थ आई कैन टेल हाउ हार्ड ही वर्कड, हाउ हार्ड ही वर्कड, और ये क्या हो जाएगी नाउन क्लोज हो जाएगी। लास्ट बचती है इफ यू मीट हिम टेल हिम टू रीच होम सून, इसमें क्या हो जाएगा इफ यू मीट हिम, और ये क्या हो जाएगा एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन, एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद बिना समय खराब किए चलिए फटाफट से हम एक्सरसाइज नंबर 15 करते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट्स दिए गए हैं या आप यूँ कह लीजिए कि इनकम्प्लीट सेंटेंस दिए गए हैं और हमको फिल करना है, अपनी मर्जी से भी आप फिल कर सकते हैं अगर मेरा मुश्किल आपको लगता है तो, पर मैंने कोशिश यही की है कि आपको ईजी से ईजी मैं फिलअप करवाऊँ। और अगर आप अपने आप से फिल करेंगे तो आप ध्यान रखना इसमें आपको यूज़ क्या करना है, नाउन क्लोज या एडजेक्टिव क्लोज या एडवर्ब क्लोज आपको यूज करनी है, अदरवाइज आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बोलता है वी डिड नॉट नो, इसमें हम क्लोज का यूज करते हुए क्या बना सकते हैं, वी डिड नॉट नो वेदर ही वुड कम और नॉट, तो ये बन जाएगा फर्स्ट का। सेकंड है लेट अस आस्क,
ये सिंपल सा बना देते हैं, व्हाट ही वॉन्ट्स। हमें पूछने दीजिए कि वो क्या चाहता है। आई लिसनड टू द सॉन्ग विच वॉज माई फेवरेट, मैंने वो गाना सुना था जो कि मेरा फेवरेट था, विच वॉज माई फेवरेट। नेक्स्ट है डैश, यू विल गेट फर्स्ट। देखिए ये तो देखते ही पता चलता है, इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट फर्स्ट डिविजन। नेक्स्ट है आई शेल गो वेदर यू लाइक इट और नॉट, वेदर यू लाइक इट और नॉट। इसके बाद है, इसमें खास बात यही है, जो भी मैंने फिलअप्स आपको ये करवाए हैं इनमें हमने प्रॉपर नाउन और एडजेक्टिव या एडवर्ब क्लोज में से किसी ना किसी का यहाँ पे यूज किया है। अगर हम इनका यूज नहीं करेंगे तो हमारा सेंटेंस जो है वो गलत हो जाएगा। वैसे तो इसकी सेंस हम बना सकते हैं कोई और यूज करके भी, लेकिन स्पेशली इसने बोल दिया ना यहाँ पे कि नाउन एडजेक्टिव या एडवर्ब क्लोज ही होनी चाहिए, तो इसलिए हमको ये यूज करने पड़ रहे हैं। सिक्स्थ बोलता है वी आर सिटिंग, इसका क्या बन सकता है, वेयर यू वर सिटिंग, हम वहां बैठे हैं जहां पर तुम कभी बैठे थे या तुम बैठे थे, वेयर यू वर सिटिंग। वी वॉन्टेड टू गो, इसका बनेगा हम जाना चाहते थे, वेयर वी वॉन्टेड टू गो वेयर एवरीथिंग वॉज ब्यूटिफुल, हम वहां जाना चाहते थे जहां हर चीज क्या थी, खूबसूरत थी या ब्यूटिफुल थी। इसके बाद है नेक्स्ट एट, दे विजिटेड फ्रांस लास्ट मंथ, वे उन्होंने विजिट किया था फ्रांस को लास्ट मंथ में, व्हेन देयर वर लेस टूरिस्ट। तो उन्होंने फ्रांस कब विजिट किया था, जब लास्ट मंथ जब टूरिस्ट क्या थे, कम थे। दिस इज अ जू विच माई फ्रेंड विजिटेड, लास्ट मंथ कह लीजिए, ज्यादा और अच्छी सेंस बन जाएगी, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। लास्ट है वी लव्ड, इसका क्या बन सकता है, डेट यू गॉट फर्स्ट डिविजन। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये वाली एक्सरसाइज भी। और इसके बाद हम 16th करते हैं बिना समय गवाए, ताकि वीडियो छोटी से छोटी रहे। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट कनेक्टिव्स, इनमें कनेक्टिव्स भरने हैं, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। द हाउस इन विच वी लिव्ड इन हैज बीन सोल्ड, दिस इज द पर्सन हु हेल्प्ड मी अ लॉट, ही डिड अ लॉट ऑफ एक्सरसाइज सो ही माइट रिमेन फिट। फोर्थ बोलता है She wept dash she heard the news, वह रोई जब उसने खबर सुनी, when she heard the news। देखिए यहाँ पर जो which जो यूज हुआ है, which जो यूज होता है वो चीजों के साथ यूज होता है, like जैसे house, table, box, और जो persons जो होते हैं या आप यू कह लीजिए कि living beings होते हैं उनके साथ हम most of the cases में who ही यूज करते हैं, तो आप ध्यान रखना इस चीज को आगे से। फिफ्थ है इसके बाद make है When sunshines, वैसे तो एक ये प्रोवर्ब है, आप यू कह लीजिए लोकोक्ति या मुहावरा है, मेक हे वेन सन शाइन्स। उसके बाद नेक्स्ट है डैश ही वॉज लेट द टीचर गोट एंग्री विद हिम, तो यहां पर आ सकता है एज ही वॉज लेट द टीचर गोट एंग्री विद हिम, ही लेफ्ट डैश ही हैड मेट हिज फ्रेंड, ही लेफ्ट बिफोर ही हैड मेट हिज फ्रेंड, वह चला गया अपने दोस्त को मिलने से पहले ही। This is the same story which I heard long ago. देखिए कोई चीज है, story, living thing नहीं है, तो इसके साथ क्या आ जाता है, which आ जाता है। I am glad that you have come. The doctor always came before he was sent for, या after कह लीजिए या before कह लीजिए, आपके context के हिसाब से इसमें दोनों ही फिट चले जाएंगे, जो भी आपको अच्छा लगे। इसके बाद लास्ट है बहुत इजी है, सेंटेंस कुछ जो है, मतलब एक पार्ट सेंटेंस का इधर दिया है और एक पार्ट इधर दिया है, हमको उनकी करेक्ट मैचिंग करनी है, तो मैं ऐसे नहीं करवाऊंगा मैचिंग, बस यहां पर मैं इनका नंबर लिख दूंगा। तो देखिए क्या बनेगा, ही वॉज
so tired that he at once went to bed. तो फोर्थ नंबर आ जाएगा. God help those who help themselves. Who help themselves. तो ये एट्थ नंबर पे जो है ये आ जाएगा. Whosoever was found guilty, he did not work hard, I believe it, will be punished. तो इसमें नंबर फिफ्थ, जो भी गिल्टी मिलेगा उसको पनिश किया जाएगा. सिंस यू से सो, आई बिलीव इट, अगर इस क्योंकि तुम कह रहे हो तो मैं यकीन कर लेता हूं, तो इसमें नंबर टू आ जाएगा. वेन हिज मदर डाइड, इसमें क्या आ सकता है, ही डिड नॉट वर्क हार्ड, ये हो चुका है, इसमें नंबर वन ही आ जाएगा. नंबर वन, वेन हिज मदर डाइड ही डिड नॉट वर्क हार्ड. सिक्स्थ है, ही फेल्ड बिकॉज, वह फेल हो गया क्योंकि ही डिड नॉट वर्क हार्ड. इसमें आएगा फर्स्ट, इसमें फर्स्ट नहीं आएगा, इसमें कुछ और आएगा. लेट मी चेक, इसको हम बाद में देखते हैं जब बच जाएगा ये. When the cat is away, ये हमने एक fill in the blanks में पहले भी किया था. When the cat is away, the mice will play. इसमें ninth आ जाएगा. Strike while, eighth number पे है. Strike while the iron is hot. तो इसमें जब हथौड़ा, मतलब जब मारो हथौड़ा, जब जो लोहा है गर्म होता है. She did what she was told to do. तो इसमें नंबर, उसने वही किया जो उसको कहा गया था करने के लिए. Although he was late, ये टेंथ नंबर में क्या आएगा, क्या बचता है इसमें, ये हो चुका है, ये हो चुका है. The teacher allowed him to come him. हालांकि वह लेट था पर फिर भी टीचर ने उसको अलाउ कर दिया कि वो क्लास के अंदर आ जाए. एक जो बचता है वही इसका आंसर हो जाएगा. तो चलिए कौन सा बचता है हम देखते हैं. फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ बचता है ये सिक्स्थ वाला. व्हेन हिज मदर डाइड ही वाज एट हर बेड साइड, जब उसकी माताजी मरी तो वो कहाँ था, उनके बिल्कुल पास में बैठा हुआ था. तो ये चैप्टर था, काफी बड़ा चैप्टर था, 6-7 वीडियोस लग गई इसको कवर करने में और बहुत सारी मेहनत और बहुत सारा समय भी लगा. तो अगर आपको कुछ होमवर्क करने में आपको मदद मिली हो या आपको अच्छे से चैप्टर समझ में आया हो तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को तो लाइक करें ही, साथ में मेरा चैनल जो है स्कूल फेलो क्लासेस उसे भी सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे एंड टेक केयर.